सिचुएशन क्या है, आपको जो लंबाई दे रखा है वो 6 फीट है, चौड़ाई जो है वो 4 फीट है, तो अगर आपसे बोलेगा टोटल स्क्वायर फीट कितना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है 6, ब्रेथ कितना दे रखा है 4, तो टोटल स्क्वायर फीट कितना हो गया 24 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि भैया ये जो सीट का जो प्राइस है ना पर स्क्वायर फीट 10 रुपए है तो आपको टोटल कितने पैसे देने, तो टोटल आप देख लो कि आपने कितने स्क्वायर फीट निकाल रखा है, 24 स्क्वायर फीट है ना, पर स्क्वायर फीट कितना बोल रहा है 10 रुपए पर स्क्वायर फीट है, ठीक है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल कितने देने उसको 240 रुपीज। क्लियर है, चलो सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अगर आपको 6 फीट 4 इंच हो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 4 फीट 2 इंच है, तो सर फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा टेक्निक है, ये जो इंचेस में ना, जैसे यहाँ पे 4 इंच है, इसको फीट में कन्वर्ट कर लो, 2 इंच है, इसको फीट में कन्वर्ट कर लो, कैसे फीट में कन्वर्ट करेंगे सर, ये जो 4 इंच है ना तो 4 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आएगा 0.33, अब ये 0.33 को 6 के साथ ऐड कर दो तो ये टोटल हो जाएगा 6.33, ठीक है ना, अब लंबाई कितना हो गया 6.33, ठीक है, अब ये चौड़ाई को देखते हैं, ये 2 इंच है तो 2 को 12 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.166, तो ये 0.166 को 4 के साथ ऐड करो तो आपका चौड़ाई आ जाएगा 4.16। अब ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करोगे और वही इसका टोटल स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।